सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग टॉक। यह वीडियो मैं उस कोर्स के लिए बना रहा हूं जो मैं आगे आपको इसी प्लेलिस्ट पे प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, दैट इज़ C++ बेसिक टू एडवांस। तो इस वीडियो में हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट होगा व्हाट इज़ द प्रीरिक्विजिट ऑफ दिस कोर्स, एंड सेकेंड वन व्हाट वी गेन आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द कोर्स, एंड थर्ड पॉइंट जो है वो रिलेटेड होगा व्हाट प्रोसीजर वी हैव फॉलो इन द एंटायर कोर्स। सो मूव ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द स्लाइड। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसलिए मैंने इस लेक्चर को नंबर दिया है 0, बिकॉज आप पूरे कोर्स में इसी ऑर्डर में चीज़ों को फॉलो करेंगे तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। प्लेलिस्ट के हर वीडियो मैंने सिस्टमेटिक नंबर अरेंज कर रखे हैं और आपको वीडियो उसी ऑर्डर में ही देखने हैं ताकि आपका ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट ऑफ दिस कोर्स। इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं। एक तो आपको इस कोर्स को टाइम देना होगा और सेकंड डिसिप्लिन, ताकि आप जब भी कोई वीडियो देखेंगे तो ऐसा ना हो आपने पहला वीडियो आज देखा और दूसरा वीडियो काफ़ी टाइम बाद देख रहे, तो वहाँ पे क्या होगा ऑर्डर ब्रेक, और ऑर्डर ब्रेक हुआ तो आपको पीछे के कुछ कंसेप्ट आप मिस करेंगे और जो पीछे के कंसेप्ट आगे कहीं यूज होंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको डिसिप्लिन के साथ साथ टाइम देना होगा इस कोर्स को, तो आपके लिए ये बेस्ट है। आप बिलीव नहीं करेंगे ये कोर्स मैंने ऐसे डिजाइन किया है, जैसे आपको ये पूरा पेड कोर्स की फील देगा। वो कैसे देगा वो हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में। अगर आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती तो चलेगा, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल 0 से स्टार्ट करने वाला हूँ, बेसिक टू एडवांस लेके जाऊँगा। तो ठीक, बिल्कुल कोडिंग में नए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको चीज़ों को सिंसियरली फॉलो करना है। एंड सेकंड पॉइंट इज व्हाट वी लर्न आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ एंटायर कोर्स। सो लुक एट दिस। तो हम शुरुआती कुछ वीडियोज में हम फंडामेंटल ऑफ C++ को डिस्कस करेंगे। अगर आपने सी पढ़ रखी है तो ये कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आएंगे। यदि आप बिल्कुल नए हैं प्रोग्रामिंग में और C++ से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए है, क्योंकि मैंने ऐसे डिजाइन किया है, बेसिक टू एडवांस लेके गया हूँ। बेसिक मतलब बिल्कुल 0 से उठाया है इस कोर्स में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं तो आपके लिए फ़ायदा ये है कि आपको चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी और आसानी से समझ में आ जाएंगी। और अगर आप नए हैं तो आपको थोड़ा सा एफर्ट अपनी तरफ से करना होगा और जो मैं बताऊंगा उसे फॉलो करना होगा बस। सेकंड इज सिंटैक्स। सिंटैक्स का आप सीधा सीधा मतलब ये समझ लीजिए, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें जो भी रूल एंड रेगुलेशन को हम फॉलो करते हैं वो सारा सिंटैक्स में आता है। तो इस कोर्स के कुछ ही वीडियो में हमें सिंटैक्स समझ में आ जाएगा अच्छे से। एंड थर्ड इज कोर कॉन्सेप्ट ऑफ C++। अब इसमें C++ का एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो हम इसमें डिस्कस ना करें, सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो जाएंगे बेसिक से एडवांस तक। तो कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको पता है सी में नहीं थे, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो था वो सी में नहीं था, बट यहाँ पे ऐड किया गया तो उसके जो तो ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं ऑब्जेक्ट क्लास इनहेरिटेंस पॉलीमराइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन एंड लास्ट वन इज इनकैप्सुलेशन, तो वो सारे हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने के, उसके लिए सिर्फ आपको बुकमार्क करनी है प्लेलिस्ट और वीडियो को सिंसियरली फॉलो करना है। एंड जब ये सारे कंसेप्ट हम सीख लेंगे उसके बाद जो डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट होता है वो हम STL की हेल्प से काफ़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो STL हम काफ़ी डिटेल में सीखने वाले हैं इस कोर्स में। एंड थर्ड पॉइंट इज व्हाट प्रोसीजर वी फॉलो इन एंटायर कोर्स। डाउनलोड नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। तो हर वीडियो लेक्चर्स के बाद जो भी मैं उस लेक्चर में डिस्कस किया होगा वो मैं आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा। आपको वहां से डाउनलोड करने और सारे नोट्स आपको अपने पास रखने हैं और एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उन्हें रिवाइज करना है, बस ये काम आपको करना है। एंड सेकेंड इज असाइनमेंट आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ टॉपिक। तो जब भी कोई टॉपिक कम्प्लीट होगा उसके बाद मैं आपको 10 से 12 बेसिक क्वेश्चन दूंगा उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको वो करने हैं सारे। और यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स का यूज करिए, वहाँ पे जितनी जल्दी पॉसिबल होगा मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। फोकस ऑन द कोर कंसेप्ट। अब ये पॉइंट हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, तो ठीक वैसा यहाँ पर भी है। लास्ट
जब हम STL अपना कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद 50 से 100 प्रॉब्लम मैं कराऊंगा और उसमें विद सॉल्यूशन कराऊंगा वो सारी प्रॉब्लम। तो ये जो 50 से 100 के बीच में प्रॉब्लम होंगी वो आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज कर पाएंगी पीछे जो भी मैंने पढ़ाया है, और आपके कंसेप्ट को ब्रशअप करेंगी ये प्रॉब्लम। तो बस इतना करने के बाद आपको C++ में कुछ भी प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, बिलीव मी गाइज। आप अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाएं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सीरीज को देख सकें। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।